नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर घर में है नमक तो कर लीजिए ये प्रयोग, मिल जाएगा आपको अपना सच्चा प्यार या आपका साथी। या मित्रों, आज का जो टोटका है वे है प्यार से जुड़ा, प्रेम से जुड़ा। प्रेम बहुत अमूल्य चीज है, अगर किसी को मिल जाए तो उसकी जीवन खुशनुमा हो जाता है, उसको बैठे बैठे जन्नत मिल जाती है, इतना प्रेम में पावर है। और यदि वही प्रेम दर्द देने लगे तो इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है जिसका कोई इलाज इस पृथ्वी लोक पर मौजूद नहीं है। उस दर्द को सह पाना हर किसी के इंसान के बस की बात नहीं है। और आप यदि किसी से प्रेम करते हैं, आप अपना प्यार पाना चाहते हैं, वह लड़का है, लड़की है, भाई है, बहन है, भाई बहन में झगड़ा हुआ है, माँ बाप, किसी का भी, पति पत्नी का भी, किसी का भी आप प्यार पाना चाहते हैं, अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं, तो आप इस टोटके को करके आसानी से पा सकते हैं। विधि बताने से पहले कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। करना क्या है, विधि बहुत ही सरल है, अत्यंत शक्तिशाली है। सबसे पहले अपनी सोच को सुधारें। टोटके तो आप बहुत से करते हैं, मैं मानता हूँ वशीकरण टोटके आपने बहुत से किए होंगे और आप लोगों को गालियाँ भी देते होंगे और यूट्यूब पर मौजूद भी बहुत। लेकिन जब तक आपके मन के विचार सही नहीं है ना, सच्चे नहीं है, तब तक आप किसी भी विधि में कामयाब नहीं हो सकते। ये प्रकृति का रूल है। आपके विचार, आपके मन में यदि नेगेटिविटी है किसी विचार को लेकर, यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं चाहे कितना भी आप कुछ कर लूँ, मेरा प्यार मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता, तो वह कभी भी नहीं सुधर सकता, उसे स्वयं परमेश्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वह वैसा होता जाता है। तो सबसे पहले आप अपने आंतरिक विचारों को शुद्ध करें। आप जैसे उसका पहली बार जब आपको प्रेम मिला था, जब वह मिला था, जो एहसास था, आप उसे पाना चाहते थे, वही ललक दोबारा आप अपने मन में पैदा कीजिए कि हाँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ, वे मेरा हो चुका है। ऐसा करके आप इस विधि को कीजिए, फिर देखिए चुटकियों में वह आपका होकर रहेगा, उसको आपके प्यार का एहसास होगा। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें, सूर्यास्त के समय सफेद आसन लगाएं, नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठें, नमक लें, एक चिमटी नमक आपको दाहिने हाथ में लेना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। उसके बाद किसी भी मोबाइल में या अलार्म में, घड़ी में एक घंटे का टाइम आप फिक्स कर दीजिए। एक घंटे आपको पूर्ण रूप से वहाँ बैठना और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, आते जाते बिल्कुल नहीं करना। आप ये सोच रहे हो कि जब जल्दी जल्दी इस कार्य को निपटाऊँ और मैं कोई अन्य काम करना चाहता, तो चलते फिरते इस काम को नहीं करना, बिल्कुल फ्री होकर बैठिए। जब आपको फ्री का समय मिला गया ना, भाई ये मेरा समय उत्तम है, तो उस समय कीजिए। जल्दबाजी में किसी काम को छोड़कर ऐसे मत कीजिए, स्वच्छ मन से, अच्छी भावना से, खुश होकर कीजिए। तो एक घंटे का अलार्म लगाकर, मंत्र का कोई समय सीमा नहीं है, कोई वैसे उच्चारण नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है, एक घंटे तक लगातार नीचा उच्चारण करना, आँख बंद करके एक घंटे तक आपको उच्चारण करना, जब अलार्म बजे तब आपको आँख खोलनी है, किसी को बताना नहीं है, एकांत में करना, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई कार्य को करते हुए देखे नहीं। मंत्र ये स्क्रीन पर छोगा, इसी मंत्र का आपको जपना, ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे ना मुझसे वशी कराए कराए स्वा। मंत्र में एक बार फिर से बोलूँ, ओम भगवती भागम भागी देवी प्यारे नाम मुझसे वशी कराए कराए स्वा। इस मंत्र का आपको एक घंटे तक लगातार जाप करना है। जैसे ही एक घंटा पूरा हो जाता है, अलार्म बज जाता है, आप अपनी आँख खोलें और इस नमक को आपको बाद में तीन भागों में बांट लेना है। इस तरीके से तीन भागों में आप अपनी हथेली में ही पहले तीन भागों में बांट लें और इसको वहाँ से उठा लें। और अब करना क्या है कि जिसका भी आप प्रेम पाना चाहते हैं, जिसे भी आप पाना चाहते हैं, उसे आपको लगातार तीन दिन से थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। वह चाहे पानी में मिलाकर खिलाएं, सब्जी में, किसी भी चीज़ में, एक चिमटी लें, क्योंकि आसानी से किसी में मिलाकर खिलाएंगे पता नहीं चलेगा। अगर प्यार पाना है तो खिलाना ही खिलाना होगा, ये इतना सरल टोटका है, पहले भी मैंने बताया, लेकिन मैं वो सुविधाजनक और सरल करके आपको ये टोटका बताया। कीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार, जैसे ही उसके वह नमक खाएगा, उसके मन में इतना गहन प्यार आपके प्रति जागेगा, सब गलतियाँ भूल जाएगा आपकी, फिर से वही रिश्ता जो शुरुआत में जितनी खुशी देता था, आज भी इतनी खुशी देगा। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, आपकी समस्या और भी बढ़ी है, तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप बेझिझक होकर कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसके साथ मैं आपसे जाचना चाहता हूँ, धन्यवाद।